उदगीर में कोरोना में भी चल रहा स्कूल छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़। कोरोना वायरस से बचाव के लिए केंद्र और महाराष्ट्र सरकार तमाम प्रयास कर रही है जिससे इसे फैलने से रोका जा सके। कोरोना वायरस अलर्ट के चलते प्रशासन ने सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने का निर्देश दिया था, लेकिन उदगीर के अक्षरनंदन प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए खुला था। यहां वर्ग में लगभग 30 से 25 छात्र मौजूद थे। वो छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए दिखाई देते हैं। उदगीर में अक्षरनंदन स्कूल है, 10वीं की कक्षा यहाँ शुरू की गई। पिछले 4 दिनों से यहाँ हर दिन कम से कम 30 से 25 बच्चे यहाँ आ रहे हैं। माता पिता को इसकी जानकारी थी। सवाल यह है कि उसे स्कूल कैसे भेजा गया। जानकारी सामने आई, उसके कुछ वीडियो सामने आए और केवल एक सनसनी पैदा हुई। आज उदगीर में कोरोना के 95 मरीज पाए चुके हैं जिनमें से 4 की मौत हो चुकी है। अभी 19 मरीजों का इलाज चल रहा है। ज़िले के ज़्यादातर मरीज इस समय उदगीर में हैं। इस बारे में स्कूल प्रशासन से बात करने की कोशिश की गई लेकिन सभी फ़ोन स्विच ऑफ रहे। लातूर के जिला कलेक्टर को जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल जानकारी ली और प्रशासन को कार्रवाई करने का संकेत दिया। मला आलेला व्हिडिओजमध्ये एक उदगीरमध्ये अक्षरनंदन असे शाळेचा त्या ठिकाणी शाळा सुरू असल्याचा त्या ठिकाणी सकृत दर्शने निदर्शनास आलेले आहेत आणि या अनुषंगाने मी तहसीलदारांना त्यांच्या सर्व टीम पाठवून त्या ठिकाणी चौकशी करायला सांगितलेलं आहेत आणि ते सत्य आढळून आल्यास संबंधित शाळांच्या विरुद्ध कारवाई करण्यात येईल। कारण महाराष्ट्र शासनाने ऑलरेडी जुलै 1 तारखेपासून 9वी आणि 10वी ते फिजिकल डिस्टन्स पालन करून सर्व सोयी सुविधा ठेवून सुरू करण्यास परवानगी जुलै 1 तारखेपासून सुरू केलेली आहे, परंतु ते व्हिडिओमध्ये असे दिसतात की 7-8 दिवसापासून त्या शाळा सुरू असल्याचा असे जर तो सिद्ध झाला तर संबंधितांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल। हालांकि ये एक रहस्य है कि इन सभी नियमों का अलग रख कर स्कूल कैसे शुरू किया गया। स्कूल 8 दिनों से चल रहा है, फिर सवाल ये है कि स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है। प्रशासन संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करेगा, लेकिन इस तरह से बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना, जो भी करेगा उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। कब से क्लास है चालू? कितने दिन हुए अभी? 4 दिन से।